बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में मटन व्हाइट हांडे की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें कौन से इन्ग्रीडियंट्स रिक्वायर होंगे। इसके लिए मैंने आधा किलो जो मटन का गोश्त ले लिया है, इसके साथ हमने आधा प्याली दही का इस्तेमाल करना है, एक बड़ी साइज की हमने प्याज लेकर चॉप कर ली है, 200 ml हमने क्रीम इस्तेमाल की, आप होममेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट पाउडर 2 खाने के चम्मच, पिसी हुई सफेद मिर्च आधा खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल करें, काली मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, पिसा हुआ सूखा धनिया 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और हरी मिर्च हमने 3 से 4 अदद ले लिए हैं इसको बारीक कट करके। चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले प्रेशर कुकर ले लेना, और प्रेशर कुकर के अंदर हम अपना ये गोश्त शामिल करेंगे। ये मैंने गोश्त डाल दिया है प्रेशर कुकर के अंदर। गोश्त डालने के बाद हम डालेंगे प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 ग्लास के करीब पानी, और साथ में हम क्या करेंगे, नमक शामिल कर देंगे। इनको अच्छे से हम करते हैं मिक्स। अब तीसरी हमने कोई भी चीज इसके अंदर शामिल नहीं। अब मैं इसको कर दूंगी बंद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं इसको वेट लगाकर पकने के लिए छोड़ दूंगी। जैसे ही 4 से 5 सीटियां हो बोलेंगी हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, इसको 20 मिनट हो चुके थे और 4 से 5 तकरीबन हमारी जो सीटियां थी वो कुकर ने बोल दी थी। अब मैंने इसको उतार लिया। अच्छे से कुकर की गैस निकालने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसको खोलने लगे हैं। हमारा जो गोश्त है वो बिल्कुल गल चुका है अच्छे से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको कढ़ाई में निकालने लगे हैं। अब हम इसको चूल्हे पर पकने के लिए रखते हैं। अब हम इसके अंदर ऑयल डाल लेंगे। बस मैंने 1 चम्मच जो था सालन वाला वो इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। अब हम इसको भूनेंगे, साथ साथ आंच को हमने दरमियाना रख दिया। हमारा जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से गल गया। अब हम इसके अंदर सूखा धनिया डालेंगे, सफेद मिर्च, कोकोनट पाउडर, और अच्छे से अब इनको मिक्स कर लेंगे। ये देखें इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। हम इसे मजीद 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे ताकि स्मेल ना आए। अब मैं इसके अंदर ये दही शामिल करने लगी हूँ। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसको कवर करूंगी। अब हम इसे 1 मिनट के लिए, आंच को मैंने बहुत स्लो कर दिया है, और 1 मिनट के लिए हम जो इसको ढांक कर रख देंगे। जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा हम क्रीम ऐड करेंगे। ये देखें आप देख सकते हैं कि जो दही का पानी है वो ऑलमोस्ट जो है खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर धीमी आंच पर ही रखते हुए ये सारी क्रीम इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अब हम इसके अंदर काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, और साथ ही मैं ये सब्ज मिर्चें भी डाल दूंगी। अब हमने इसको दोबारा से कवर करके रख दिया है। 1 मिनट बाद हमारी जो डिश है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी होगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारी जो डिश है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको मट्टी की हांडी में निकालूंगी। ये मैंने इस तरह की मट्टी की हांडी ले ली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने पूरी जो हमारा सालन था उसको इसके अंदर हांडी के निकाल लिया है। अब मैं अदरक के साथ इसको हम गार्निश करेंगे, और साथ में हम थोड़ा सा जो है हरा धनिया,
इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।